दादी प्लीज हमार मूड बहुत खराब बा, प्लीज कोनो जोक मत मारियो। अरे हमके कोनो जोक वोक सुनावे के फुर्सत थोड़े ना बा, हम तो अभी के लाइव कॉन्सर्ट देखा के तोहार मूड ठीक करे आयल रहनी पागल। अगर दादी हमके ऐसे देखे के रहे तो हम लाइव कॉन्सर्ट काहे जाती, हमके अभी के सामने से देखे के रहे यार। और सुरेश ने सब कुछ खराब कर दिया। ना देखे के बात मत देखा, हम देख रहे बानी। आए, आए। कितना सुंदर लग रहल बा, का गावेला, सब सुन के पागल हो रहल पड़े। कैसन आवाज बा दादी, हमके भी दिखावा ना। दिखा। हाँ। दादी कितना लकी हुई ना लड़की, जैसे अभी प्यार करत हुई। ई रहलू के लकी लड़की। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ मिलता नहीं मुश्किल बा, बट देयर समथिंग एल्स आई कैन गिव यू। अरुका आप लोग जानना चाहते हैं की क्या है दादी, पर ये दोनों अपन रिलेशन के मीडिया के सामने एक्सेप्ट ही ना करे ले। अरे बुद्धू, जितना सस्पेंस रही लोगन के इंटरेस्ट एक लाइफ में बनल रही, और जितने इंटरेस्ट बढ़ी उतने ही डिमांड में रही। वेल वी आर इन 2012 ऑफ कोर्स, हम दोनों साथ में कोला के एड शूट करत रही, और वहीं से शुरुआत भइल हमनी के दोस्ती। सर विश्वसनीय सूत्र से पता चल रहा है कि आप दोनों के अफेयर चल रहा है। हम तो बस एक ही सूत्र समझते हैं, वो है कामा सूत्र। That's not funny. काम means work. हम अपना काम करते हैं और घर जाते हैं, और यह बा हमार सक्सेस के सूत्र। काबा कामा सूत्र। नो मोर क्वेश्चंस। का कर रहा है बड़ा, सब देखा था। सिर्फ देखे से काम ना चलिए, उलोक के आंख बूम फटे के जाही। यू शुड कीप गिविंग। यू आर सच अ रॉकस्टार, दैट्स व्हाट आई एम। अभी लेट्स गो आउट एंड सेलिब्रेट, पार्टी तो बनेगी। आज ना, गॉट अ डेट। वेट, हाय स्वीटहार्ट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई विल बी देयर इन 15 मिनट। Darling, I'm sorry. Yeah, 30 seconds. Darling. Hey, sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, daddy. No butter, baji. हमार गिफ्ट कहाँ बिया? ई रहल आपके गिफ्ट। ई का? गिफ्ट बा? ना चाही। तब बताई का चाही दादी? बहु। अरे दादी आप भी फिर से शुरू हो गए ली। जानने कितना लेकी लोग मरे ली हमरा पे, और हम केहू एक से शादी कर लेने तो बाकी के दिल के कटैक टूट जाए दादी। अच्छी तरह से जाने ली हम, ई जौन लड़की बाड़ी ना, जे तोरे इर्द गिर्द घूमत रहेली, इनके तोरे स्टारडम और तोरे पैसे से मतलब बा, समझला?
और तोहरा के चाही एक अच्छी से लड़की जे तोहरे बुरा वक्त में तोहरे साथ खड़ी रहे। बुरा वक्त? व्हाट इज दैट दादी जी? बुरा वक्त ऊ होला बेटा जी जे हर इंसान के कबो ना कबो आवेला, सिवाय सुपरस्टार्स के। ज्यादा उड़ा मत, याद रखिए जब आदमी गिरेला ना तो सीधा जमीन पे आवेला, और बुरा वक्त पे ता हर केहू साथ छोड़ जाला। पैसा कबो केहू के साथ ना छोड़ेला, ई खातिर हमार एके भगवान बाबू बा पैसा। बता बता दी, मनी मैटर्स दादी। लोग साथ छोड़ देवेले, कुछ लोग कुछ वक्त तक साथ देवेले, जैसे फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा, रिश्ते भी बदल जाला, लेकिन पैसा कबो साथ ना छोड़ेला। हमरे खातिर सबसे ज्यादा प्यार मैटर करेला। I love Abhi Dadi. I just love him. हमरे जिंदगी में सबसे खास बाड़ा तू सुरेश। हमके पता बा कि तू बुलबुल से नाराज बाड़ा, ये खातिर हमके बिना गुड नाइट कहले सूत गईला। अब नींद तोहरा के भी ना आई और हमके भी। अरे चंदू, तेरी पारी लेके आओ हमरा खातिर। जी सर, जी सर, अभी टाइम बा, हो जाए, चलो। अरे भाई, पैसा कब मिली? हमके लागत था कि सूरज के कल रात के बाद के बुरा लागत हुई। तू एक बार ये देखा, फर्श कितना गंदा बा, केहू साफ सफाई के बारे में सोचेला ही ना यहाँ पे। सूरज कल रात के बाद के, प्लीज, हमके कल रात के बारे में कौनो बात ना करे के बा। साहब अंदर बुला रहा बड़े। गुड मॉर्निंग सर। जी, कहीं का प्रॉब्लम? सर, इनके मैरिज हॉल पे लागल पेनल्टीज और टैक्सेस के बारे में बात करे के रहल। मनोज मर्सी आपके फोन के लिए हुई है, हमार दोस्त है सर। हाँ, बैठी बैठी फोन आई रहे हमारे। एक मिनट, एक मिनट, तुमसे कहीं पहले मिले हैं हम? तू है हवाना जे, जे हमके बीएमसी के ऑफिस में मिल रहे? हाँ, पता ना सर। देखा बाबा, आप जा सकते हैं, आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। देखा सर, अगर आप इनकर पेनल्टीज हटाए ना सर, तब तो हम आपके शिकायत कोर्ट लेके जाए। का बोले आप? खड़ा हो जाइए। हम कह रहे हैं उठो यहां से, कंप्लेन करेंगे हमारी। जा, निकला, देखेंगे हम भी आपकी फाइल कौन पास करेगा यहाँ पे, ब्लडी लूजर्स। एक मिनट सर, पहले तो आप तमीज से बात करें, आप जाने ले कैसे बात कर रहे बाड़े। एक मिनट सुरेश, की ऐसे कैसे बात कर सकेले यार? जे के आप लूजर फेलियर कह रहे बाड़े, वो एक्स आर्मी ऑफिसर बाड़े सर, और काम ना उनके पास, इनके काम करके जरूरत ही नहीं कि सर गवर्नमेंट घर में बैठा के पैसा दे ही उनके। हम बहुत सिंपल लोग बानी सर, सीधा साधा लोग, वो मैरिज हॉल में हमारे इनकम के एकमात्र सोर्स है। बहुत ईमानदारी से चलाई ले, टैक्स भरी ले सर, कोनो गलत ना करी ले, और बेवजह आप ऊपर जुर्माना लगा देलन, टैक्स लगा देलन, हमके जाने के बाकी काहे लगावले आप जुर्माना, हमारे पेपर काहे जब्त कही गई। 73 रुपया लगा के आवेली यहाँ पे हर रोज, हाफ डे ले ले ये ऑफिस से, दूसरे के इंसाफ दिलावे खातिर, अपने खातिर सब कर ले सर, दूसरे खातिर केहू जूता ना घिसेला, ये एकमात्र इंसान बाड़े जी ऐसा करेला। थैंक यू। चला सुरेश। सुनी सुनी, आप लोग अपनी फाइल यहाँ पे रख के जाइए, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की पेनल्टीज माफ हो जाए, प्लीज। एंड सुरेश, देखिए सॉरी, हम आपके कुछ ज्यादा ही बोल देनी, तनी गुस्से में थे। कौनो बात ना सर, हम की आदत बस सुने के। प्रज्ञा, हम तोहरा कबो ऐसे बात करत ना देखनी, हम खुद बात कर सकत रहनी ना। तू हमेशा हमार साथ दिला, आज हम दे देनी, का हो गई? अरे पर हम तो हमेशा सही के साथ दे ले। सही गलत हम के ना पता, हम तो हर साथ हमेशा दे। काहे? काहे कि तू हमारी जिंदगी के सबसे खास लोग में बड़ा, और हमेशा रहबा। स्टार्ट करो स्कूटर। सुरेश बेटा। नमस्ते माँ जी, तू आंटी जी घर पे बाड़ीन? हाँ बानी ना, बोला का काम बा? तू ना शादी खातिर हॉल के बुकिंग करावे के रहल, तनी सा अर्जेंट बा। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। सुरेश आई बड़े, शादी के हॉल बुक करे। केकरा खातिर हॉल बुक करे आल बड़ा? हमके लग रहल बड़े अपना प्रज्ञा के हाथ मांगे आल बा। हमके लगा था कि जौन दिन के हमके कई साल से इंतजार रहल, वो दिन आ गए। हाँ दीदी, आ गए, अब जल्दी कर, जल्दी चला।
सुरेश अलवा तू फटाफट बाहर आ जा, चल बैठ रहा बैठ रहा। जानकी बतावत रहल कि तोरा की कोनो जरूरी बात करे के रहल। उना हम अपने हाल के बुकिंग करावे आइल बनी, हमके शादी के यही करे के बा। पर इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हुई? तुम्हारे मम्मी की भी तो आवे की पड़ी ना। आंटी जी ओकर फिक्र मत करी, वो हम उनका टिकट करवा ले बानी, दो दिन में आ जाइए और बहन यही हॉस्टल में रहले, वो शादी के दिन पहुँच जाये। और आंटी जी हम ना वो आपके एडवांस दे दी, तब कितना दी? अरे घर के शादी में कौन पैसा मांगता है? हमारे इतना काम करे हमको वो पैसा दे ही तो रखे। ना ना हम तो बिल्कुल ना सुनने वाली, पैसे हम ना तो बात ही ना। एक मिनट का हो रहा बा? अरे हम आंटी जी के एडवांस दे रहा बनी हॉल खातिर, मन तो नहीं किया। ना ना तू इधर आवा हमारे साथ, तोरे साथे शादी की बात करे अलबा, तोरा के तो पता बना हर काम उल्टा करे। एक खातिर पहले हॉल बुक करी फिर तुम्हार हाथ मांगी। सुना प्रज्ञा, हमने कहना शादी के बहुत सारा तैयारी करे के पड़ी। अब देखा मेहमान के लिस्ट बनावे के बाद खाना के मेनू, ज्वेलरी, ड्रेस और वो का कॉल रहनी माँ, हाँ दुल्हन के शादी के जोड़ा और ब्लाउज, और तोहरा के कॉलेज से छुट्टी लेवे के पड़ी। थैंक यू अम्मा जी। छुट्टी भी और ना तका, प्लीज प्रज्ञा तोहरा हमारे साथ देवे के पड़ी। हाँ। अरे हमेशा तोहार साथ दे और छुट्टी तो जरूर ले, आगे बता दे और का करे की बात है ना? और कुछ ना चाहिए, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तू दोनों के साथ ही बा। हाँ हाँ वो तो हाँ आंटी जी, पर हमारे बहन के भी तो आशीर्वाद देवे के हुई ना। हाँ तोहरे बहन के भी हम आशीर्वाद। तोहरे बहन के? और ना तो कहा आंटी जी, वही के तो शादी के बात करते नहीं, वही के खातिर तो हॉल बुक करा रहल बानी, और आप वही के आशीर्वाद ना देव का। अब तक अपने बहन के शादी के बात करत रहला? आपके का लागल? हमके तो लागल कि तू अपन शादी के बात कर रहल बाड़ा। हमार शादी? केकरा साथे? प्रज्ञा, तोरा के भी ना पता रहल ना कि अपन बहन की शादी के बात कर रहल बा। अरे के बारे हट 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 ना ए हट, अरे हट ए, लाइसेंस दिखावा, लाइसेंस दिखावा, ए बंद करा बंद कर। अरे का कर रहा है भाई आप लोग? जाओ देखो उनको, जाओ जल्दी करो। आप लोग क्या बड़ा और बिना परमिशन क्या हॉल के अंदर कैसे आ सकेले? बीएमसी से आए हम लोग और ये मैरिज हॉल के सील करे खातिर। लेकिन क्या है? सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी ना भरले बड़ा आप लोग। अरे ना ना सर, हर साल हम प्रॉपर्टी टैक्स भरी ना, हमारे पास पेपर बा सर। आप जौन भी भरले बानी बहुत लेट से भरले बानी, सामने से हटा, हमें हमारा काम करे था। सर, 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 बिना नोटिस के ना आप कोनो भी चीज के हाथ ना लगा सके। हाँ ये है नोटिस के कॉपी, पढ़ लो। अरे ये, अरे क्या कर रहे हो, चलो चलो सामान सामान जल्दी जल्दी। सर प्लीज सर प्लीज, कोर्ट लेके जाइए। चला जॉइन करके बात कर लिया, अभी हम क्या काम करे था, चला जा, चला भाई चला जल्दी सामान। आप हमारी बात सुनो। अरे 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 सुनो था, हम उनसे बात करते नहीं। अरे भाई साहब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अरे ऐसा मत करी, अरे नोटिस मत बोलो, चुप कर बैठी। ये सब क्या हो रहा है? हमरे परमिशन के बिना तू लोग यहाँ आइला कैसे? सर वो पुरान नोटिस, सर ये देखे ना, ये नोटिस। आइंदा हमारे सिग्नेचर्स के बिना कोनो भी नोटिस कहीं भी लेके गए ना तू लोग, तू लोग के बहुत भारी पड़ी। हमें तो समझ में ही ना आ रहा, बाकी कौन शब्द में आपके शुक्रिया अदा करें? अरे आंटी जी क्या कर रही हैं आप? आप तो बड़े हैं हमसे, ये तो आपकी बेटी आज ऑफिस आई रहे हमारे, तो हम सोचे हम ही आके ही आपके हॉल के इंस्पेक्शन कर लें। अच्छा आंटी जी चलते हैं। ना ना बेटा जी, आप इतना कुछ कहला हमरे खातिर, अंदर चल के एक चाय तो पीला। अच्छा आराम से बैठ जाए इधर। बेटा बेटा बेटा, जानकी पानी ले आवा। का हो गई बेटा? दादी, अभी की नया सॉन्ग। बेटा हो ना, बीएमसी वाला कह रहल बाड़े कि वो नोटिस भेजले बाड़े। आंटी आप भी कमाल कर रहे हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम है ना यहाँ पे आपके मैरिज हॉल की तरफ, केहू भी नजर घुमाइल ना तो हम ओकर आग फोड़ देव, हम वादा कर रहे हैं आपसे, आप विश्वास रखिए। बेटा जी अब सारी उम्मीद आपसे ही बा। सच बताए अब तो हमें आपसे उम्मीद है। आपके हमसे मतलब? हम चाहते हैं कि आप हमार
एक छोट से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तब। I'm sorry, कौन सी प्रपोजल? आपकी बहन से शादी के प्रपोजल। आंटी जी प्लीज, हम बहुत खुश रखेंगे उसको। आप सोच भी कैसे सके लाइसन, अभी तो हमारी बड़ बेटी प्रज्ञा की भी शादी ना भइल बा। अरे बस इतना से बात आंटी, फिर तो आप प्रज्ञा के टेंशन बिल्कुल छोड़ दी। हमरे पीछे बहुत आईएएस और आईपीएस लड़का लोग घूमत रहे ले। हम बहुत अच्छा लड़का देख के शादी करवा दे। अच्छा हम चलत आनी आंटी जी, आराम से सोचिया, हम कल फिर आएंगे आपका फैसला सुनने के लिए। आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, हाँ हॉल के सारा डिसीजन हमारे हाथ में बा। जा रहे हैं। बुलबुल, बुलबुल, मन कर रहा है कि घुमा के चाटा मारी तरह के करा के बोली ना, एक जगह टिक के बैठा कर तोर कदम तो कहीं टिके ला ही ना। अरे कैसे कपड़ा पहन ले बाड़ू तू, टंगी कपड़ा बाड़े ना तोरा पास। अरे माँ आप बोलत का बाड़ू दी माँ। हाँ बतावा ना प्रज्ञा की भाई का। हाँ हम बतावत बानी, आप काहे चिल्ला रहा बाड़ू, बच्चन के कपड़ा के पीछे पड़ गयी दादी। हम बता, तू हमके बताबू की का होला? बोल ना दी का होला? उ जन कॉर्पोरेटर आयल रहल, ओके शादी करे के बाद तोरा से। शादी जौन तरीका से वो बोलत रहा, ओ से लगता ओ ना मानी, ओकर मतलब सीधा रहल जे तोहार शादी ओसे हो जाई तब तो अपन मैरिज हॉल बची, वरना ओके केहू ना बचा सकेला। हम जानत रहनी उस दिन भी। जानत रहल मतलब तू जाने लू ओकरा के? वो हमके फॉलो करत रहा दी। हमार स्कूटी ओकरे कार से काट टकराई लो, हमरे कैंटीन के बाहर कॉलेज के बाहर रास्ता में भी हमके फॉलो करे लागल। आप समझ रहे हल बाड़ू, ओ कॉर्पोरेटर वो अपन ओदा के फायदा उठावलस मा, ओ बेवजह जुर्माना थोप ले बा हम पे। ओ जानत रहल मजबूरी में ओही से मदद मांगी जई है ना, एही से बदला में शादी के शर्त रख देलस। हे भगवान अब का होई। समझ में ना आ रहा बा सुरेश, एक तरफ मैरिज हॉल बा, दूसरा तरफ बुलबुल की पूरी जिंदगी बा। सब ठीक हो जाए प्रज्ञा। कैसे ठीक हो जाए सुरेश? सब ठीक उ घर में होला जहाँ सब होवेली, जौने घर में खाली औरतें होवेली हुआ तो पापा के गैला के बाद माँ अकेले ही घर संभाले बानी। रात दिन एक कह के मैरिज हॉल चलाऊंगी, हमारे घर के कबू कबो एक आदमी की कमी महसूस ना होवे देन, हम सब के पापा की कमी महसूस ना होवे देन। लेकिन ये सब करे में उनके हर रोज कितनी लड़ाई लड़े के पड़ल हो आज समझ में आ रहल बा हमके। इतना सब कुछ कैला के बाद भी क्यों के भी हिम्मत हो जाले यार हमनी के जिंदगी से खेले के, कोई भी आके हमनी के ब्लैकमेल करेला, हमार छोटी बहन से शादी करवावे खातिर मजबूर कर सकेला हमनी के। हम जानी नहीं मैरिज हॉल बहुत इम्पोर्टेंट बा हमनी खातिर, हमार घर चलेला इसी। लेकिन सुरेश बुलबुल हमार छोट बहन हो, हम अकेले लड़ाई में शामिल ना करे चाहता नहीं सुरेश, हम का करे? हम बुलबुल की शादी ना होवे दे। अब तू अकेली ना बाड़ू, हम तो हर लड़ाई में तो हर साथ दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हमके तोरा से बात करे के बा। हाँ बोला। हम सपना में भी ना सोचले रही कि हम तो से एडवाइस मांगो। कैसा एडवाइस? तो के का लागत बा हमके कॉपरेटर के साथे शादी करे के चाहिए या ना करे के चाहिए? हमरा हिसाब से तोरा शादी कर लेवे के चाहिए। बुलबुल अगर उसे शादी करबू तो तुहार माँ और बहन के सब मुश्किल दूर हो जाई, और हमरे हिसाब से सबसे सही फैसला यह होई। बुलबुल कहाँ भैया? हम देखता नहीं, शायद बाहर होगी। कहाँ गई रहलू तू? कॉर्पोरेटर के ऑफिस। वहाँ कहे गई रहलू? उसे शादी खातिर हाँ कहे। अरे तो
हम मुंह में थप्पड़ मारब ना तो हर मुंह तोड़ दे। हम मर गई बानी, हमरे से पूछले बिना तो शादी खातिर हां बोले कैसे चल गेलू? प्रज्ञा देख तू संभाल ले, बात कर हल बानी मत, तू पागल हो गेल बाड़ू, शादी खातिर हां कर देलू। देनी हां ओकरा के और का करती, पैसा वाला हाऊ, हमके ओकरे नियत से ना पैसा से प्यार बादी। जस्ट इमेजिन अगर हम उसे शादी करब ना तो हमरा पास सब कुछ होखे। एंड वैसे भी वो हमके घूरत रहल ना, पता बा काहे घूरत रहल हमके? काहे कि वो हमसे प्यार करेला। ही लव नहीं खे बुलबुल। और वैसे भी खिड़की में बैठ के कब तक हम आसमान के देखत रह मा? हमके ना उड़े के बा, प्लीज हमके उड़े से मत रोका, ओके? माँ मा कुछ ना भइल, माँ आप बैठ जा, कुछ ना भइल। अभी तू ओके कॉर्पोरेट ऑफिस लेके गल रहला। इस सिचुएशन के दूसरा नजरिए से देखा तो हो सकेला आंटी जी, जवन कुछ हो रहल बा अच्छा खातिर हो रहल बा। सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहल बा, कमी का बा लइका में, अच्छा दिखेला, अच्छा कमाला, अच्छा ओहदा पे भी बा। हम जवन अपन बुलबुल के ना दे पैनी उ सब ओकरा के दे। माँ अब बुलबुल की सब कुछ देले बाड़ू, इतनी अच्छी परवरिश देले बाड़ू, ओकरा के ये सब कुछ ना चाहिए माँ। वो कोनो आसमान में उड़े के ना चाहेले माँ, वो खाली ये खातिर बोल रहल बिया ताकि हम पे आसमान ना टूटे। लेकिन हम ओकरा के अपन जिंदगी जाया ना करे दे बा, हम ऐसा कुछ ना करे दे, कोनो कीमत कुछ ना होगी, कुछ ना होगी माँ। अब चिंता मत कर, हमके लागत रहल की जिंदगी में तो कबो गलत ना हो सकेला, लेकिन ना तू भी परफेक्ट ना बाड़ा, यू आर नॉट अ कम्प्लीट मैन। Same ends makes me a complete man. एक complete आदमी वो होला जे हर चीज में perfect हो, हमरा तरह। I'm a complete man. Completely handsome, completely hardworking, and completely successful. And completely लालची। इतना लालची आदमी ना हम अपना life में नहीं देख ले। इतना पैसा देनी एकरा, फिर भी और पैसा मांग रहल बा। पता चल गया ना अभी के बारे में? तो पैकअप करें या बाकी के changes करें के बाद? देर हल बा नहीं यार, करवा ला change. Good decision. That's it. ये साला क्लाइंट पैसे देने के लिए तैयार है बट बनियान में शूट करना पड़ेगा। यार डबल पैसा खातिर हम कुछ भी पहन ले, चड्डी बनियान व्हाटएवर। बनियान तो ठीक बा भाई, चड्डी पहनने के का जरूरत बा? का है? तू चड्डी ना पहने लगा? साला पैसा खातिर कुछ भी करवा, हम सिर्फ पैसा खातिर मना ना कर सकेला, बाकी कुछ भी कर सकेला। चड्डी बनियान तू लिया ना, वो चड्डी बनियान के कम्प्लीट बनावा था। Bring it, buddy. ई छोट से गिफ्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। हाय प्रज्ञा। नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी। आपकी आपके परिवार से क्यों ना आयल? जी वो लोग भी आवत हुई। हम सोचे पहले हम चल के बात पक्की कर लें, रोका हो जाए फिर बुला लेंगे उनको भी। हेलो सर, कैसे बनी आप? आंटी जी जब बात पक्का हो गई बता हमरा लगत बा के रोका के रसम पूरा कर लेवे के चाहिए। अरे हाँ ई हॉल के पेपर्स देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो नोटिस आपके पास आया था वो गलत है और आज से आपका हॉल पूरी तरह से लीगल हो चुकल बा। एकरा पे कोनो टैक्स वगैरह बाकी नहीं है। ई हमरे तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमरे और बुलबुल के शादी के खुशी में। अरे लीना आंटी, इफ यू डोंट माइंड हम जरा चेक कर ली। हाँ हाँ थैंक यू। ओके आंटी जी सब ठीक बा, ये रख ली ही। और हाँ हम ही बतावल भूल गई ली के एकरा पे हमार सिग्नेचर बा, और हम चाहते तो नहीं है लेकिन इसे कभी भी रद्द कर सकते हैं हम। अगर हमारी डील में कोई भी हेर फेर या हमारी डील कैंसिल हुई तब लगा था लड़का वाला आगे ले। लड़के वाले पर हम तो केहू के ना बुलाए। बुलबुल जरा पकड़िया, आइए 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 प्लीज प्लीज प्लीज, ये बड़े कॉर्पोरेटर साहब प्लीज आइए आइए। तो कहा कि हम ही आप लोगों के बुलौले बानी,
उ कहा ना कि आप मीडिया वाले हमेशा बीएमसी और कॉर्पोरेटर साहब के बारे में उल्टा सीधा लिखत रहे ले। तो हम सोचनी कि आप लोगों के बुला के उनकर अच्छी बात भी दिखा दी। तो बात ही बाकी हमार कॉर्पोरेटर साहब के जैसे ही पता चलल कि बीएमसी वाले इलीगल तरीका से ई लोगन के मैरिज हॉल के बंद करावे के कोशिश कैले, तो उ बीएमसी के लगावल सब इलीगल चार्जेस रद्द कर देले और खुद अपन हाथ से पेपर देवे आइल बड़े। अगर इनका जगह कोनो और ऑफिसर हुई तो जरूर रिश्वत मांगे, लेकिन ई कोनो शर्त ना रखले ना कोनो रिश्वत मांगले। कितना किस्मत वाले हुई है वो माँ बाप जे इनकरा पैदा कैले, और कितना किस्मत वाली हुई लड़की जौन आपकी बीवी बनी है ना कॉर्पोरेटर साहब, सही कही ना। तो सर आप अब तक कितना लोग के भला कर ले बड़ो? आप लोग बाहर आइए, हम आपको इत्मीनान से बताते हैं, आइए प्लीज। बहुत महंगा पड़ी तू लोग के, बहुत महंगा पड़ी। वो कहा ना सर, हम छोट लोग बानी, महंगा चीज अफोर्ड ही ना कर सकी ले। आप शायद भूल रहे हैं कि जो आदमी इनलीगल को लीगल बना सकता है वो लीगल को इनलीगल भी बना सकेला। कल हम खुद आएंगे आपके वो हॉल पे रेड करे खातिर, और फिर देखेंगे केकरा में कितना दम्बा। अरे ऐसे कैसे भूल सके नहीं सर, रिकॉर्ड जन कर ले बानी। बुलबुल कॉर्पोरेटर साहब के दिखावा ना, ये देखा सर, एकरा पे हमार सिग्नेचर बा, और हम चाहते तो नहीं है लेकिन इसे कभी भी रद्द कर सकते हैं हम, अगर हमारी डील में कोई भी हेर फेर या हमारी डील कैंसिल हुई तो। तब बतावा कॉर्पोरेटर साहब, ये रिकॉर्डिंग मीडिया वालों के दिखा दें? बहुत पछताओगे तू लोग, बहुत पछताओगे। गले हमके ना सुरेश के लगावा। लेकिन ये सब तो कैलू कैसे? हम बतावत बानी माँ, एक्चुअली सुरेश के स्कूटर से हम कॉर्पोरेटर के ऑफिस जात रहनी, उससे शादी खातिर हाँ कहे, लेकिन रास्ता में सुरेश हमके एगो आइडिया देलन। तू ओकरा के हाँ ऐसे बोलत बाड़ू ताकि तुहार फैमिली खुश रहे, पर तोहरा भी पता बा कि अगर तू हाँ बोलबू तब वो दुखी हुई है। तो फिर हम का करे यार? तनी सा ना एक्टिंग करे के पड़ी बस। तब फिर का हमना उसे जाके कह देनी कि सुनो हमना तुझसे शादी करे खातिर तैयार बनी, और वो फूल फूलों के बुके लेके घर तक पहुंच गई। हम सपना में भी ना सोच ले रहने दी कि सुरेश की इतना धासु आइडिया हुई। वैसे प्यार में आदमी का कुछ ना कर देला ना। आंटी जी हमके काम बा, हम चला तनी चाय तो पी के जा। जीजा जी शर्मा गईलन तोहरा के तो सच। जितना ई लड़का हमरे घर खातिर करेला ना, उतना तक हम अपना खातिर भी ना करेला। हम ई घर जरूर बनव ले बानी, लेकिन एकर हिफाजत तो इहे करेला, इहे बा मैन ऑफ द हाउस। कितना अच्छा लड़का बा, हमने परिवार खातिर कितना कुछ करेला, कोई ऐसे थोड़ी ना करेला। क्यों खातिर? तबे करेला जब वो आपन परिवार हो, परिवार में वो क्यों से प्यार करत होगे। तू यहाँ कैसे? वो शादी के नेक्स्ट डे तो है ना, काजल फैल रहा बा, जा साफ करके आ जा, जा 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 जा। तनी सा इंतजार कर ले तू, कोनो बेटर लड़का मिल जात के ओकरा से तो केहू बेटर हो, जैसे की हर माँ के तरह ना हम हमेशा ये बोली ले, हमने जैसन बेटी भगवान सब के दे, लेकिन आज एक लाइन और बोले चाहता नहीं, तोरे जैसन पड़ोसी भगवान सब के दे। कल हम खुद आएंगे आपके वो हॉल पे रेट करे खातिर, और फिर देखेंगे केकरा में कितना दम्बा। अरे ऐसे कैसे भूल सके ले सर, रिकॉर्ड जम कर ले बानी। काहे वो हमारे हर सवाल के जवाब बन जाला, काहे वो ए परिवार खातिर इतना करेला, हमरे खातिर इतना करेला। कमा जौन कहत रहनी हूँ,
सही बा का यही प्यारा फिर निहारे बैठ गेला फोटो हमके लागल किताब पढ़ा तड़ा भाई चलत का बा दिन भर ओकर घर के चक्कर काटेला रात के गुड नाइट बोलले बिना सुते लाना तू और बचल खुचल टाइम में फोटो निहारत रहेला आज तो हम भी देखब दिखावा है का ही फोटो में ना ना दिखाई दिखावे के तो पड़ी भाई हम भी देखिया के फोटो अरविंद अरे अरविंद प्लीज अरे शर्मा का यार इतना वो काहे हो रहा है अरे ना ना अरे दिखा अरे दिखा ना अरविंद ना यार अरे हम भी तो दर्शन करें जरा भाभी के अरे देखने जरा अरे बुलबुल के फोटो मतलब भाई तू बुलबुल से प्यार करेला मतलब तू बुलबुल से प्यार करेला हमके लागल यार तू प्रज्ञा से प्यार करेला यार 100 बार कह चुकल बानी कि हमने के बीच कुछ नहीं के प्रज्ञा और हम सिर्फ अच्छा दोस्त बानी ओके अरे भाई तू रोज गुड नाइट बोलेला ऐसे लागल तू प्यार करेला ओकरा से तू पागल होइल बड़ा उ समझदार ये प्रैक्टिकल ये वैसन काहे सोची चल ठीक बा मान लेनी वैसन सोचलस तू हमरा खुद से ना बता देत का ए बार हम खुद ही जाके ओके सब कुछ बता दे हमके समझ में ना आवत बा कि जब वो हमरे से प्यार करेला तो कहत काहे नहीं खे और कोनो बात हो तो जरूर उसे कह देते कि सी इज माय बेस्ट फ्रेंड लेकिन ये बात उसे कैसे कहें कि हम बुलबुल से कि बुलबुल से प्यार करी ले कि ओकर एक झलक देखे खातिर हम बार बार उनके घर जाई ले तू रोज घर आवेला हर चीज में हमार साथ देला और तू हमके इतनी से बात न बता सकेला कि हमसे प्यार करेला जबकि बात हम वैसे भी जानी ले हम जानता नहीं कि तोरा ये बात अजीब सा लगत हुई है ना लेकिन हम जब भी ओकरा के देखले तो देखते रह जाइले वो देखे में बबली सी है अकड़ू सी बा लेकिन दिल के बहुत अच्छी भी है अपन फैमिली के कभी भी प्रॉब्लम ना देख सकेले यही से कल रात के जब वो अपन बालकोनी में बैठ के अपन सितारन से लड़त रहे हम सोचत रही कैसे ओकर सपना के बिखरे से बचाई कैसे हम जानी ले कि वो हमार कबो ना हो सकेले फिर भी हम ओकरा से प्यार के ना छोड़ सकीले ना ही कबो ओकरा भुला पाई हम भी तो उसे कबो ना बोल पाई कि हम तो उसे कितना प्यार करीले लेकिन जिंदगी भर तोरा इंतजार जरूर करब पता ना वो कबो हमके हाँ कही कि ना लेकिन जिंदगी भर हम ओकर इंतजार करब कितना बोरिंग चौथा बा कब खत्म होई जब आदमी खत्म हो गई तो चौथा भी खत्म हो जाई मॉम मॉम अभी आ गेलन ई का बोल रहल बाड़े अभी आ गेल बड़न अभी अभी वो रॉकस्टार ई लोग अभी रॉकस्टार के बुलावत रहन का मालूम चल एजा आइल सफल भई चुप रह आज तो फोटो खींचा ही ले चेक मिल गई यस अरे आप लोग बैठ जाइए प्लीज जेके उठे के रहा लूट गई आप लोग बैठ जाइए वरना शायद आप लोग का नंबर लग जाएगा डैडी जी इका हो गई डैडी जी आपके आप हमनी कैसे छोड़ के चल गए एक बार भी आप अपनी बीवी के बारे में ना सोचलन बेटी अरे बीवी के बारे में ना सोचना सही कम से कम अपन बेटी के बारे में सोच लेता हाउ कैन शी लिव विदाउट यू डैडी जी कैसे जी हूं आपके बिना हाउ घर जैसे निस्तर है हमने के लाइक फैमिली वैसे उम्र का रहे उनकर
का रहे उनका उम्र 87 That's it. अरे अभी खेले कूदे के दिन रहे उनका पोता पोतियन के लेकिन ना जल्दी में रह ले ये वो दिन हरी वहाँ है हमार भी फोटो निकालना उनके साथ अभी भी आवे के चाहिए और हम भी सर एक फोटो सर उस फोटो के साथ में चला पूरब ना तो हम रो दे प्लीज एक पिक वन पिक अभी सर एक पिक प्लीज आप प्लीज बैठिए प्लीज सर 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 अभी सर कुछ फैमिली के बारे में बोल दी 15 मिनट के बाद भेज रहा इतना पैसा में इतना ही अगला चौथा पे डिस्काउंट दे दे प्लीज ड्रॉप जी हद करते हो भाई तुम चौथा में भी आवे के पैसा देता रहा हंसी है लोग तोहरा पर हे पूरा ये वो फोटो खिंचवा ले दी हम चल जाए ना पैसा हम चौथा पे आवे के ना ले ही ले उनके बच्चन के सोशल स्टेटस बढ़ावे के ले ही ले उनका अपन बाप याद रहे ना रहे 4 दिन बाद केहू के स्वर्गवासी बुढ़ा ना याद रहे लेकिन अभी ओकर चौथा पे आयल रहे ई पूरा वर्ल्ड के याद रहे अभी ई आज के चौथा के चेक ई काल के रॉक कॉन्सर्ट के और 2 चेक हम कल बैंक में डाल दे ले रहनी शाम तक पासबुक में एंट्री हो जाए एक एक बार देख लिया अरे तू बोल दिया ना डाल दिया तो डाल दिया ए, मैं देखे की क्या बात बा पूरब भाई देख लो ना एक बार हे पूरब तू कब तक ही मुंशी बन के घूमत रहा हा? अरे छोड़ ना ये बोरिंग जॉब तू खुद के बिजनेस शुरू कर ले बाड़ा ओ में ध्यान दा सॉरी एक बार देख ले यार तू ना मन बना Get a life, man. Get a life, यार. भाई कब तक उसे छिपाइबा? बुलबुल से दिन पूछ कहने के लेता कि वो भी तोरा से प्यार करे लेकिन ना. अरे पूछे के का फायदा? हम जाने ली क्यों हमरा से प्यार ना करे ले? शकल देखले बड़े हमार. कहाँ काला कौआ कहाँ चांद? हम जाने ली हमरा बारे में का सोच ले अरविंद? तनी तेज लाना यार. वैसे भी हम लेट आवे में मसूर हो गए. And I don't like that tag. ए चल चल साइड दे. अरे 40 स्पीड लिमिट 40 के हा अरविंद के समझावा कि स्पीड लिमिट 40 के बा अबे कौन है बे वो भाई सुरेश अरे ये अपन रॉकस्टार अभी बा चला भाई साइड दा साइड 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 दे यार कल ही के कॉन्सर्ट से हमके निकाल गए पता बा और यही की वजह से बुलबुल ना जाने का कुछ ना बोलस हमरा के एकरा हम साइड नहीं की देबे वाला अरे तड़ा हॉर्न बजावा था जान ले ना एके उड़ा दे ओके तू एक काम करा साइड से कट मार के निकला ए अरे देख देखला तू ई फिर से रूल ब्रेक कर लिया सिग्नल तोड़ ला सी अभी हमें के बतावता नहीं अरे कंप्लेंट बाद में कर लिया पहले रेलवे स्टेशन चला आंटी वेट कर ना यार आज हमें के छोड़ो आंटी वेट कर तो कि हम गाड़ी आगे लोकी एक तो तुम्हारे खटारे स्कूटर के चक्कर में हमेशा लेट हो जाते हैं अरे यार गाड़ी चल ना लो की हाँ, वेट कर रहे थे ना अरविंद यहाँ ना है अरे यही डब्बा है ना हाँ यार डब्बा तो ये है लिखा तो हुआ था आंटी के घर गली देखो करके चल चल भाई साहब बुरा मत माना पर झाड़ू ऐसे लगावे लेका कितना कचरा छोड़ ले यहाँ पे लावा इधर दिखावा झाड़ू भाई साहब हर पैसेंजर अपने सैलरी से टिकट खरीदे ला उ पैसा से आपके सैलरी बने ले अरे छोड़ ना यार चल ना भाई अरे अरे यार ये झाड़ू लगा ले बड़ा तू दिखावा आप झाड़ू लगा के अरे चला यार भैया तू कर ले अरविंद तू खींच क्या रहल बड़ा यार खींच अपना तो पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर दे बा तू गलत काम कर रहे तू कमाल की बात कर रहा बड़ा यार एक तो तुम्हारी मां नहीं मिल रही है और तू ये चक्कर में पड़ा बड़ा एक मिनट क्या हुआ हेलो हाँ प्रज्ञा सुरेश प्लीज जल्दी घर आ जा इना बहुत बड़ प्रॉब्लम हो गई भाई यहाँ का भाई तू पहले घर आवा बहुत अर्जेंट बात बा अच्छा ठीक बा हमारा हल बनी हमार बुलबुल कर ले बा आप निकल के लेके ते कुछ काम है अरे प्रज्ञा
अरे प्रज्ञा, अरे सुरेश आ गए, अरे जल्दी से चाय दे। अरे आंटी, माँ रज्जू आप, हम तो आप लोगों के स्टेशन पे ढूंढत रहनी और आप। हम इनके लिए आई नहीं है। प्रज्ञा तोहरा हमरा बतावे के चाहत रहे ना, मतलब हम और अरविंद स्टेशन पे ढूंढत रही अम्मा के। अरे तू हमके कहाँ बता ले रहा है जब बुलबुल के साथ प्लान बना ले रहा वो दिन। तू क्रेडिट मत लो के, एक्चुअली प्लान हमार रहल आंटी जी और अर्चना के यहाँ बुलावे के। सोचनी कितनी खातिरदारी कर ली। वैसे भी तू हमनी खातिर इतना कुछ कर रहा बड़ा, तो इतना तो हम कर ही सके नी। हाँ ना दी। इतने साल से हम तुमके पसंद करी ले, तोहरा के हर रोज देखी ले, लेकिन फिर भी तोहरा से आज तक कुछ कहना पोनी। ये हमारे परिवार में सब कर कितना ख्याल रखेला। बुलबुल भी इनसे कुछ कहलस और ये फौरन मान गयलन। का हमके सुरेश से अच्छा क्यों इंसान मिल सकेला? शायद ना, इनसे अच्छा तक क्यों हो ही ना सकेला। यही से हम इनसे इतना प्यार करी ले।